क्लास स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, नेम ऑफ द चैप्टर इज टेबल्स इन एचटीएमएल, सेशन 11, नेस्टेड फ्रेम सेट। ऑलराइट, हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखा कि व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेम, क्या यूज होता है फ्रेम का। यस, फ्रेम इज यूज्ड टू डिवाइड द विंडो इनटू द पार्ट्स। ओके, तो विंडो को हम लोग डिवाइड करने के लिए फ्रेम का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर वर्टिकली उसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसमें बहुत सारे हम लोग ने पार्ट देखे। अब हम लोग नया एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें आप रोज के अंदर में कॉलम्स बना सकते हैं। ओके, या फिर कॉलम्स के अंदर में रोज बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम लोग नेस्टेड फ्रेम सेट का भी यूज देखेंगे, क्या होता है नेस्टेड फ्रेम सेट, ये भी हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, बॉडी का यूज नहीं करेंगे, बॉडी टैग के अलावा हम लोग फ्रेम सेट का यूज करते हैं। राइट, ओके, फिर हम लोग विंडो को रोज में डिवाइड करेंगे पहले। ये दो रोज हो गई। फ्रेम एसआरसी, ऑलराइट, दिस इज द सिंपल फ्रेम। ओके, देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग सेव करेंगे। सैंपल एफ आर, ओके, डॉट एच टी एम एल। ऑलराइट, सेव। तो हम लोगों ने नेम को सेव किया, अब हम लोग इसको ओपन करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखा था, ये जो विंडो है टू रोज में डिवाइड हो गई। ओके, अब यहाँ पे अगर मुझे ये अगर जो बॉटम रो है इसके अगर दो पार्ट्स करने हैं तो ये कैसे करेंगे, तो ये आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेम सेट। इनसाइड द फ्रेम सेट वी विल यूज वन मोर फ्रेम सेट, और यहाँ पे हम लोग कॉलम्स का यूज करेंगे क्योंकि वो रो के वहां पे हम लोगों को कॉलम्स चाहिए। ऑलराइट, कॉलम्स, ओके, और यहाँ पे कॉलम्स दो, यहाँ पे और दो फ्रेम बन गई, यहाँ पे एक फ्रेम है, हम लोग और एक फ्रेम को कॉपी कर लेंगे। अगेन वी विल सी सेव।
we will open. See, अब क्या हुआ, पहले हम लोगों ने दो रोज दो फ्रेम बनाई थी और अब बॉटम रो जो है उसके हम लोग दो पार्ट बनाए, उसके हम लोगों ने दो फ्रेम बनाई. ऑलराइट, तो ये यूज होता है नेस्टेड फ्रेम सेट का, फ्रेम सेट इनसाइड फ्रेम सेट. ऑलराइट, सी क्या हुआ, ये फ्रेम सेट इनसाइड फ्रेम सेट. ओके, अब इसके अंदर में फिर और एक अगर मुझे करना है, सी अगर मुझे और एक मतलब जो कॉलम्स बने हैं, फ्रेम बनी है उसमें और एक अगर कॉलम बनाना है, फ्रेम बनानी है, तो आई विल कॉपी दिस वन. नाउ सी व्हाट हैपेंस. विल ओपन दिस वन. इसके तीन पार्ट आ गए, फर्स्ट रो सेकेंड रो, उसमें 1 2 3 फ्रेम्स. ऑलराइट, पे जो ब्लैक पोर्शन आया था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक ही फ्रेम ऐड की है, हम लोगों को और एक फ्रेम ऐड करनी पड़ेगी. अगेन सेव इट, देन व्हेन वी विल ओपन, सी रोज टू रोज पहले बनाए, फिर टू कॉलम्स बनाए, फिर नेक्स्ट वाले कॉलम में और एक कॉलम बना दिया. ऑलराइट, तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग पेज का HTML पेज का हम लोग लिंक दे सकते हैं और उसके कंटेंट्स डिस्प्ले कर सकते हैं. ऑलराइट, हम लोग और भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे. अभी तक हम लोगों ने देखा कि दो रोज में हम लोग कॉलम्स के फ्रेम्स कैसे बना सकते हैं, वर्टिकली फ्रेम्स हम लोगों ने बनाना देखा. लेकिन जब हम लोग पहले कॉलम्स में डिवाइड करेंगे और कॉलम में हॉरिजॉन्टली अगर फ्रेम बनाना चाहते हैं, तो हम लोग इसमें क्या क्या चेंज करेंगे. फर्स्ट यहाँ पे हम लोग पहले कॉलम्स करेंगे. ऑलराइट, और यहाँ पे हम लोग रो करेंगे. हम लोगों ने एक कॉलम में दो ही रो को हमने दो ही फ्रेम बनाई है, इसीलिए हम लोग दो ही फ्रेम का यूज करेंगे. देन सेव इट, नाउ ओपन इट, नाउ सी. ओके, तो ऐसे यहाँ पे पहले हम लोगों ने दो कॉलम में फ्रेम बनाई और फिर ये हॉरिजॉन्टली दो फ्रेम्स बनाई, तो टोटल 1 2 and 3 फ्रेम्स बन गए. ऑलराइट, और एक अगर यहाँ पे और एक अगर आपको फ्रेम ऐड करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन नाउ सी फ्रेम सेट रोज, यहाँ पे मैंने 50% 30% और 20% किया. ऑलराइट, और यहाँ पे हम लोगों ने 3 फ्रेम्स का सोर्स दिया. देन सेव इट, नाउ सी यहाँ पे क्या हुआ, दो रोज पहले दो कॉलम्स में हम लोगों ने फ्रेम बनाई थी, फिर सेकेंड कॉलम में हम लोगों ने और 3 फ्रेम्स बनाई, 1 2 and 3. ऑलराइट, व्हाट डिड वी लर्न टुडे, वी हैव लर्न अबाउट द नेस्टेड फ्रेम सेट. ओके, नेस्टेड फ्रेम सेट टैग का कैसे यूज होता है ये हम लोगों ने देखा और उसके एट्रीब्यूट्स भी देखे और नेस्टेड फ्रेम सेट का यूज करके हम लोग कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वेब पेज पे कैसे अलग अलग फ्रेम्स को डिवाइड कर सकते हैं और बना सकते हैं, ये हम लोगों ने आज देखा. ऑलराइट, हम लोग नेस्टेड फ्रेम सेट के यूज से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से
फ्रेम्स बना सकते हैं, विंडो को डिवाइड कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू।